सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, यहाँ पे आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिए पूरे देश भर में और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है उसका ऐलान करने की। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए एक अलग प्रक्रिया की। पंजाब के अंदर हमने देखा कि दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद कराया, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए, लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे
एक बहुत ही इमोशनल लम्हा पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे पंजाब के लिए। मैं अपने वड्डे वीर भगवंत मान साहब नू दिलों बधाइयां दिंदा हां। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मान साहब। और अज मैं गल खुल के कह सकदा कि पंजाब दी आन बान ते शान साडा भगवंत मान, पंजाब दा अगला सीएम साडा भगवंत मान, साडा सीएम भगवंत मान। अब मैं मान साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू, कुछ यादगार लम्हे एक वीडियो के जरिए आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मैं वीडियो टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को प्लीज प्ले करें। आम घर विच जम्मिया खूब मिलिया लोकां दा प्यार, उसे प्यार दा कर्ज उतारन लई राजनीति च रिहा दहा। जिला संगरूर दे पिंड सतौज दे एक आम जहे परिवार विच 13 अक्टूबर 1973 नूं माता हरपाल कौर अते पिता मास्टर महिंदर सिंह दे घर जम्मे एक कलाकार, एक व्यंगकार जिन्हां नूं लोकां दे प्यार ने शिखरां तक पहुंचाया, अज उन्हां दा कर्ज उतार रहे ने सत्ता दे गलियारे विच बन के लोकां दी आवाज भगवंत मान। मान दी जिंदगी पहले दिन तो ही आम लोकां दे मुद्दियां ते आधारित रही है। अपनी मेहनत दे दम ते कलाकारी दे मंच तो शौहरत हासिल करन वाले भगवंत मान बतौर कलाकार भी लोकां दे मुद्दे चुकदे रहे सन। दाज करके साड़ी गई भैण बोलदी है, जन्म तो पहला मारी गई धी बोलदी है, पर किसी ने समझण दी कोशिश नहीं कीती कि ओह बेचारी की बोलदी। लोकां दे चेहरे ते मुस्कान लैके आउण वाले भगवंत मान दा बचपन मालवे दे किसी भी आम पेंडू बच्चे वांग सतौज पिंड दीयां गलियां विच खेड के बीतिया सी। अपने काफिले नूं रोक एक किसान दे खेतां विच उठ रहियां अग दीयां लपटां नूं दलेरी नाल बुझाउण विच लग रहे ए भगवंत मान बचपन तो ही किसे दा बुरा हुंदा नहीं सी जा सकदे। अपने काम भावें विच रह जाण पर जेकर किसे नूं मदद दी लोड़ आ तां भगवंत मान भज के उस दे नाल खड़दे रहे। भगवंत मान शुरू तो ही मेहनत करन तो पिछे नहीं सी हटदे, कदे पैदल ते कदे साइकिल ते अपने पिंड तो 7 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक चीमा मंडी दे सरकारी स्कूल विच पढ़न जांदे, फिर वापस आके घर दा काम भी करदे सी। स्कूल दी पढ़ाई पूरी करन तो बाद भगवंत मान ने सुनाम शहर दे शहीद उधम सिंह कॉलेज विच कॉमर्स विषय दी पढ़ाई शुरू कीती, जिस दौरान अलग अलग विषयां ते होण वालियां भाषण प्रतियोगितावां, व्यंग नाटक अते डिबेट आदि विच कॉलेज लई कई मैडल जीत के लियाए। पिंड सतौज तो उठिया ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਢਾਊਗਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਕਢਾਊਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਰਹਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ 10 ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਓਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਕਿੱਲੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੀਡਰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ।